दोस्तों टेक्निकल प्रश्न में आपका स्वागत है। और फाइनली दोस्तों मैं आप सभी के लिए आज फिर से गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ चुका हूँ। दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा देना, ताकि हमारे आने वाली टेक न्यूज की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे Xiaomi से। कि दोस्तों बेसिकली Xiaomi जो है वो शायद इंडिया के अंदर जो अपना MI ब्रांडिंग है उसको क्विट करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमें Xiaomi की तरफ से जो अपकमिंग स्मार्टफोन है वो शायद Xiaomi की जो ब्रांडिंग है उसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं Xiaomi की तरफ से अपकमिंग जो Xiaomi के ब्रांड के अंदर नए स्मार्टफोन होते हैं उसमें हमें क्या खास फीचर और क्या देखने को मिलती है, इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन वगैरह पता चले मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी टेक्निक्स की ओर, जो कि निकल के आ रही है OnePlus की तरफ से। कि दोस्तों जो OnePlus की तरफ से अपकमिंग OnePlus RT वाला स्मार्टफोन है ये दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों शायद 15 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज एक लीक निकल के आ चुकी है जिससे कि ये पता चल रहा है कि दोस्तों बेसिकली जो OnePlus RT वाला स्मार्टफोन है वो शायद अक्टूबर 15 को लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं इस OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus RT के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आप मुझे ये कमेंट में जरूर बताना क्या आप इस OnePlus की तरफ से आने वाले OnePlus RT वाले स्मार्टफोन का वेट कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे Oppo की तरफ से एक खबर आ रही है कि दोस्तों जो Oppo की तरफ से अपकमिंग F19s वाला स्मार्टफोन है दोस्तों ये शायद हमें बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिल सकती है। और बेसिकली दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये शायद इंडिया के अंदर दो नए कलर वेरियंट में लॉन्च हो सकता है, एक है ग्लोइंग गोल्ड, साथ ही दोस्तों जो दूसरा कलर वेरियंट है वो है ग्लोइंग ब्लैक। तो देखते हैं इस अपकमिंग ओप्पो की तरफ से जो F19s वाली स्मार्टफोन है इसमें हमें क्या खास कुछ देखने को मिलती है, इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको नए वाले टेक्नो में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों लगे यार टेक्नो की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों टेक्नो जो है वो शायद बहुत ही जल्दी अपने एक नए स्मार्टफोन टेक्नो कैमोन 18 को लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है इसमें शायद आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाली हीलियो G96 वाली प्रोसेसर देखने को मिल सकती है। और साथ ही दोस्तों इसमें आपको एक 60x की पेरिस्कोप जूम लेंस भी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों आपको शायद 20,000 के बजट के अंदर एक 60x जूम वाले कैमरा के स्मार्टफोन देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, बेसिकली हमें और क्या खास फीचर इसमें देखने को मिलती है, इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको अनवेल टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पे लेनोवो की तरफ से खबर आ रही है कि दोस्तों लेनोवो का एक नया स्मार्टफोन लेनोवो K14 फाइनली दोस्तों आज ग्रीक बेस डाटाबेस के ऊपर स्पॉट किया गया है। और अगर हम इस ग्रीक बेस डाटाबेस की माने तो दोस्तों आपको इस लेनोवो के K14 वाले स्मार्टफोन में यूनिसॉक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 2GB की रैम देखने को मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ये शायद एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। तो देखते हैं इस लेनोवो की तरफ से आने वाले K14 वाले स्मार्टफोन के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, इसके बारे में दोस्तों मुझे अगर कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट में ये जरूर बताना क्या आपने कभी भी लेनोवो का स्मार्टफोन यूज किया है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी टेक्निक्स की ओर, जो कि निकल के आ रही है IQ की तरफ से। कि दोस्तों IQ का एक नया स्मार्टफोन IQ Z Pro दोस्तों आज गूगल प्ले कंसोल के ऊपर स्पॉट किया गया है। और ये दोस्तों स्पॉट किया गया है हमारे मुकुल शर्मा जी द्वारा। और ऐसा बताया कि दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है इसमें शायद आपको स्नैपड्रैगन का 778 वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में 8GB की रैम देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों जो IQ का Z5 Pro वाला स्मार्टफोन है ये Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स आने वाला है। तो देखते हैं इस IQ की तरफ से आने वाले Z5 Pro के बारे में और क्या खास डिटेल्स निकल के आती है, मैं आपको आने वाले टेक्निक्स में अपडेट कर दूंगा। दोस्तों क्या आप इस IQ की तरफ से अपकमिंग नए स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको आज का टेक्निक्स पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।